मैंने वो इंटरव्यू भी पढ़ा जो नदीम जी के हवाले से बात कही जा रही है, और एक ऐसे मित्र से पढ़वाया जो उर्दू पढ़ना जानते हैं। नदीम ने जो कहा, मैं कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि ये देश में दलित, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक, इनके जीवन यापन के मुद्दे हमेशा देश और कांग्रेस के लिए प्राथमिकता रहे हैं। इसमें क्या गलत है? सच्चाई यह है कि मोदी जी लागत पर 50% मुनाफा किसान को दे नहीं पाए, 2 करोड़ रोजगार युवा को दे नहीं पाए, व्यवसाय और धंधा जीएसटी और नोटबंदी ने चौपट कर डाला, आए दिन नारी पर वार हो रहा है, दलितों और पिछड़ों पर दमन हो रहा है, अल्पसंख्यक जो हैं उनका नाम लेकर नफरत और बंटवारे का माहौल पैदा किया जा रहा है। मोदी जी जब प्रशासन और शासन उनका फेल हो गया 50 महीने में, तो अब वो हिंदू मुसलमान का खेल खेल कर वोट बटोरना चाहते हैं, पर ये देश आपके झूठे हथकंडों और बरगलाने वाली नीति के अंदर आने वाला नहीं।